मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया गिरफ्तार। सिसोदिया पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप। दोपहर 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। कहा इनका एक ही मकसद, मनीष को जेल से नहीं निकलने देना है। सिसोदिया ने लिखा ओपन लेटर, लिखा पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ जेल। आज दोपहर 2 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की सीबीआई मामले में जमानत पर सुनवाई। सीबीआई मामले में कोर्ट कर सकती है फैसला। केजरीवाल के मंत्रियों के खिलाफ जंतर मंतर पर बीजेपी कर सकती प्रदर्शन। प्रदर्शन में कई बड़े चेहरे देखे जाने की उम्मीद। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन तो झांकी है, इनका सरगना केजरीवाल अभी बाकी है। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर ईडी की छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मामला। अबू दोजाना को लालू का माना जाता है करीबी। अबू दोजाना पर आईआरसीटीसी घोटाले में सुजाता नाम की प्राइवेट कंपनी को सीधा लाभ पहुंचाने का भी आरोप। हरियाणा में मंदिर निर्माण में नकली चांदी की ईंट देकर घिरी जेजीपी। जेजीपी प्रवक्ता अजय गुलिया, अजय चौटाला और जेजीपी की तरफ से मंदिर निर्माण में 6 करोड़ रुपए देने का किया था दावा। विवाद को बेवजह बताया। राजस्थान के जयपुर में पुलवामा हमले के शहीदों की पत्नियों को हिरासत में लेने का पर बढ़ा विवाद। सचिन पायलट के आवास के बाहर प्रदर्शनकारी 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। शहीद की तीनों पत्नियों की मांग, सरकार मेरी गुजर बसर करने वाले को दे नौकरी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे होगा गुजारा। मुंह में घास दबाकर प्रदर्शन कर रही थी शहीदों की पत्नियां। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शहीदों की पत्नियों की मांग का किया समर्थन, थाने के बाहर दिया धरना। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने छेड़खानी, आरोपी को दी घर ढहाने की धमकी, वीडियो वायरल। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सारस्वत का विवादित बयान। कहा मोहम्मद साहब और ईसा मसीह के पूर्वज थे हिंदू, वो सनातनी वैदिक आर्य थे। जंतर मंतर पर के कविता की महिला आरक्षण बिल को लेकर भूख हड़ताल। विरोध प्रदर्शन में नाटक और गीत जैसे कार्यक्रम। कविता के भूख हड़ताल में 16 विपक्षी दलों की मौजूदगी, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। कविता ने मीडिया को किया संबोधित, कहा हम ईडी का सामना करेंगे, कुछ भी गलत नहीं किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में केसीआर की बेटी से शनिवार को की जाएगी ईडी की पूछताछ। तेलंगाना के मंत्री टी रामा राव का मोदी पर हमला, कहा आग से खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की वार्ता, आगामी व्यापार पर होगी चर्चा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी राहुल गांधी पर हमला, कहा मोदी सरकार ने भारत को हमेशा सर्वप्रथम रखा लेकिन देश के प्रति राहुल की नीयत पर सवाल। पीएम मोदी एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र को करेंगे उद्घाटन। आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर होगी चर्चा। आज पंजाब विधानसभा में पेश किया जा सकता है 2023-24 के लिए बजट। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे बजट। जमशेदपुर की सुभाष कॉलोनी में एक मनोरोगी महिला ने पति की हत्या की, शव जलाने की भी कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। जामताड़ा में जल रहा पहाड़, आग लगने से पहाड़ी पर लाखों की वन संपदा खाक, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। कौशाम्बी उमेश पर हत्याकांड के 2.5 लाख के नामी शूटर साबिर के भाई का खेत मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। उमेश पर हत्याकांड में असद की कार के ड्राइवर अरबाज और पहली गोली चलाने वाले शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को इनकाउंटर में किया जा चुका है ढेर। सूरत में एक टेक्सटाइल मिल में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। सूरत के पांडेसरा जीआईडीसी में स्थित है प्रतीक टेक्सटाइल मिल। आग पर काबू पाने के लिए वाटर जेट का किया गया इस्तेमाल। यूपी के औरैया में ऑटो और बाइक की टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल। पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत, पुलिस ने शराब के नशे में धुत फायरिंग करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में संदिग्ध हालत में 2 की मौत, दोनों मामलों में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क को किया जाम। चंडीगढ़ में सीएम और सरपंचों में चल रही बैठक खत्म, बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर सुबह खुशखबरी देंगे। एमपी के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में अलग अलग जगहों पर पकड़े गए 3 बाघों को छोड़ा जाएगा। बाराबंकी में सिपाही का नशे की हालत में हंगामा, निजी वाहन से एक बाइक सवार वृद्ध को रौंदा। पटना में आज युवक को अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस।
बाराबंकी में तेज रफ्तार कार से कुचलने से चार बच्चों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। अमृतसर में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर का किया दौरा, देश की प्रगति के लिए की प्रार्थना। पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बीच मुलाकात, गांधीनगर पहुंचकर पीएम से वाघेला और उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने की मुलाकात। बिहार बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई सामने, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जारी की सूची। शिलांग में सीएम कोनराड सांगमा ने की पहली कैबिनेट बैठक, प्रदेश के मुद्दों पर की चर्चा। जयपुर में खांसी और बुखार के बढ़ रहे मामले, चेकअप के लिए लोग लगा रहे हैं लंबी लाइन। कर्नाटक में जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, कहा ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जयपुर में पुलवामा के शहीदों की विधवाओं का प्रदर्शन जारी, कल सीएम हाउस तक मार्च के दौरान मची थी अफरा तफरी। गुजरात के बीजेपी विधायक विपुल पटेल आज विधानसभा में पेश करेंगे एक प्रस्ताव, प्रस्ताव में बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। आज कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, एसएफआई का भी विधानसभा तक मार्च। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर संसद में माइक्रोफोन बंद करने के बारे में उनकी टिप्पणी पर किया हमला, कहा अगर वो इस मुद्दे पर चुप रहते तो वो संविधान के गलत पक्ष में होंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट, रिपोर्ट जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी आरंभ। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में आज 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक, प्रदेश के मुद्दों पर होगी चर्चा। जयपुर में बुलेट पर रोमांस करने पर पुलिस ने की कार्रवाई, बाइक को जब्त कर काटा चालान। गोंडा में होली के दौरान ड्यूटी छोड़कर शराब पीते दिखे पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में महागठबंधन के नेताओं की शाम 3 बजे से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी तक के कार्यों का देंगे लेखा जोखा। आज संसद के विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सदन में राहुल गांधी पर लगाया था अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। जेडीयू से अलग हुई नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने दी वीआईपी सुरक्षा, वाई प्लस सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे 11 कमांडो। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, कोलकाता में 17 से 19 मार्च के बीच होने वाली एसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा। 9 विपक्षी दलों की पीएम मोदी को लिखे खत के जवाब में 8 राज्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप का मामला। त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर सीएम मानिक साहा ने सिरे से किया खारिज, कहा आदिवासी लोगों को दी जाएगी खास अहमियत। दरभंगा में करोड़ों की नई योजनाओं का हुआ शिलान्यास, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में धर्म परिवर्तन पर बोले शंकराचार्य, कहा धर्म परिवर्तन हमारी कमजोरी और परिवर्तन करवाने वालों का अज्ञान। भारत के गैस और पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली सचखंड पहुंचे श्री हरमिंदर साहिब, उन्होंने गुरु घर में टेका मत्था। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ जम्मू में सैकड़ों युवाओं का प्रदर्शन, परीक्षा कराने के लिए एप्टेक लिमिटेड की नियुक्ति का विरोध। बेंगलुरु में नगर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया से की मुलाकात, स्थानीय उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग की।